मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए और बिना अपनी किसी भी आइडियोलॉजी से समझौता किए हुए मैं मजबूती से उनके हर फैसले के साथ खड़ा रहा। जैसे भगवान राम के लिए हनुमान माता सीता को ढूंढने गए, उनके लिए लंका तक ज़रूरत पड़ी तो जलाने का काम किया, मैंने प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ मजबूती से उनका साथ दिया। मेरा 2014 में रूबिका जी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हुआ था। उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, मेरी पार्टी के पास विकल्प था, क्योंकि नीतीश जी उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। तो मैं चाहता तो उस वक्त मैं नीतीश कुमार जी के भी साथ जा सकता था, बट मैंने और पार्टी ने डिसाइड किया कि हम उनके साथ जाएंगे। बट हाँ, हम लोगों ने मजबूती से धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, सबसे बड़ी बात CA NRC को भी लेकर मजबूती से बिना अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं खड़ा रहा। बट नीतीश जी ने तो उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किया। नहीं, तो आज की तारीख में बिल्कुल वही मैंने कहा कि पर अब आज की तारीख में ये फैसला मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करना है कि जिसने आपका हर कदम पर साथ दिया आपको उनका साथ देना है, या जिसने हर कदम पर आपकी नीतियों पर सवाल उठाया आपको उनका साथ। राजनीति तो नंबर का खेल है ना, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जरूर आप इस बात को कह सकती हैं, पर जब आप जनरल परसेप्शन की बात करती हैं, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा जिस तरीके से जनता का साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ जनता ही बची है रूबिका जी, अब तो मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास एक मेरी माँ का आशीर्वाद और एक जनता का आशीर्वाद, बस यही दो चीज़ें हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा मैं शायद पुनः जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पर लेकर जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मेरा नसीब। आप क्लियर हो गए कि अब राम भी आपका साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए, बट हाँ मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हनुमान को ऐसी परिस्थिति में देखते हुए, या अगर हनुमान का वध हो रहा है तो ऐसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब तो बड़ा अरसा हो गया है, अब तक उन्होंने कुछ नहीं, आपने फ़ोन किया उनको, आपने समय मांगा उनसे? देखिए मैंने अभी फिलहाल मेरी प्राथमिकताएँ अलग हैं, मैं बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मोर देन पॉलिटिकल मेरे लिए पर्सनल ये ज़्यादा बड़ा लॉस है, तो मेरी प्राथमिकताएं अभी अलग हैं। मैं चाहता हूं कि वापस से पार्टी के संगठन को उसी मजबूती से खड़ा करूं। अभी इसमें कौन साथ है, नहीं है, राम के साथ जरूरत पड़ेगी ना, तो आपने फोन किया उनको, उनसे बात हुई? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। अमित शाह जी से आपकी बात? मेरी अभी किसी से नहीं बात हुई रूबिका जी। नड्डा जी से आपकी? मेरी अभी किसी से नहीं बात हुई, मेरी अभी किसी, हाँ पर्सनल लेवल पे यस, भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष दोनों में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे अभिभावक तुल्य कई लोग हैं, उनसे पर्सनल लेवल पे मेरी कईयों से बात हुई है, बट अगर आप उसको ऑफिशियली बोलें औपचारिक तौर पर मेरी किसी से बातचीत नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।